क्योंकि जब दो युवराज लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आता। नाहर, आप लोग हट जाइए, मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है जो इनका मुकाबला कर सकूं, और इस लड़ाई में चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, आप बीच में नहीं आना। हाँ हाँ, जल्दी चलो चलो चलो। नहीं, क्या हुआ गुरुदेव, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रिय शिष्य जहारवीर और उसके भाइयों अर्जन सर्जन में भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। जब जहारवीर पर वार होता है तो वो मुझे आकर लगता है। तो गुरुदेव, आप तुरंत जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो दो हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वे दो जरूर हैं, लेकिन जहारवीर उनसे निपटने में सक्षम है, और ये युद्ध अंतिम युद्ध नहीं, इसलिए ये लड़ाई जहारवीर को स्वयं लड़नी होगी, क्योंकि वे तीनों बच्चे हैं। बच्चों की लड़ाई में मेरा शक्ति द्वारा सहायता पहुंचाना उचित नहीं है। ये एक लड़ाई जहारवीर को खुद ही लड़नी पड़ेगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसका लूं लड़े बालक अनजान पक्ष में, किसका लूं किसका लूं लड़े बालक अनजान पक्ष में, किसका लूं लड़े बालक ये अनजान पक्ष में, किसका लूं किसका लूं लड़े बालक अनजान पक्ष में, किसका लूं किसका लूं लड़े पलक अनजान पक्ष में, किसका लूं। बालक दिल के भोले भाले मासूम फूलिए रस भर प्याले, बालक दिल के भोले भाले मासूम फूलिए रस भर प्याले, ये तो कुदरत की मुस्कान पक्ष में, किसका लूं किसका लूं लड़े बालक अनजान पक्ष में, किसका लूं किसका लूं लड़े बालक अनजान पक्ष में, किसका लूं। जाने ना अपना पराया इनमें ना कहीं कपट की छाया, ये जाने ना अपना पराया
इनमें ना कहीं कपट की छाया ना इनमें द्वेष मलान पक्ष में किस कालू लड़े बालक अनजान पक्ष में किस कालू लड़े बालक अनजान पक्ष में किस कालू पल में लड़ते पल में राजी आसीरिये इनके हृदय विराजी पल में लड़ते पल में राजी आसीरिये इनके हृदय विराजी देखे सबको एक समान पक्ष में किस कालू लड़े बालक अनजान पक्ष में किस कालू लड़े बालक अनजान पक्ष में किस कालू बच्चे होते मन के सच्चे भगवान को भी ये लगते अच्छे बच्चे होते मन के सच्चे भगवान को भी ये लगते अच्छे इनकी रक्षा करे भगवान पक्ष में किस कालू लड़े बालक अनजान 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 पक्ष में किस कालू रुक जाओ जाहर मत रोके पिताश्री मुझे मैं आज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जाहरवीर ये तुम्हारे बड़े भाई हैं तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए पिताजी कहने को तो ये मेरे भाई हैं लेकिन है दुश्मनों से भी बढ़कर कोई बात नहीं पुत्र इनकी बातों का बुरा मत मानना अपनी माता को कुछ मत कहना हे भगवान क्या हो गया इस चौहान वंश को इतनी छोटी उम्र में ही इतना द्वेष बेटा जाहरवीर तुम्हें अपने बड़े भाइयों की इज्जत करनी चाहिए तुमको अर्जन सर्जन के साथ लड़ना नहीं चाहिए था नहीं महाराज इसमें जाहरवीर का कोई दोष नहीं है हम तो यहाँ चुपचाप खेल रहे थे कि उन्होंने ही आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया हाँ पिताजी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है वो हमेशा मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं उनकी तो रग रग में छल कपट इससे भरी है पिताजी तुम ठीक कहते हो बेटा यही ईर्ष्या तो एक दिन उनके लिए विनाश का कारण बनेगी बेटा जाहर आज के बाद तुम लोग कभी महलों से बाहर खेलने नहीं जाओगे समझे जो खेल खेलना है महलों में ही खेलना अब चलो पिताजी Hmm.
अरे क्या हुआ बेटा अर्जुन सर्जुन, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? किसने बनाई तुम्हारी ये हालत? माता, हमें जाहरवीर ने बहुत मारा। क्या? हाँ माता। क्या कहते हो तुम? दो होकर भी उसकी मार खाकर आ गए? गर्दन दबाकर जान निकाल देते उसकी? हम क्या करते माता, हमारे ताऊ जी ने हमें पकड़ लिया और जाहरवीर व उन दासी पुत्रों ने मिलकर हमें बहुत मारा माता। क्या ये सत्य कह रहे हो तुम? हाँ माता। आने दो तुम्हारे पिताजी नेवर सिंह को, आज तो कोई निर्णय होकर ही रहेगा। क्या बात है रानी काछल, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? आओ बेटा। अरे तुम तो जख्मी हो, कैसे हुआ ये सब बेटा? ये क्या बताएंगे बेचारे, मैं बताती हूँ, ये तुम्हारे बड़े भाई के काम है। बड़ा गर्व है ना अपने भाई पर, देवता मानकर पूजा करते हो उनकी, अब देखो इनका हाल। रानी काछल क्या बात है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? क्या किया है बड़े भैया ने? तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे पुत्रों को पकड़कर अपने पुत्र जाहरवीर वे उन दासी पुत्रों से पिटवाया है। रानी काछल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो मेरे देवता समान भाई पर इस तरह के झूठे आरोप लगा रही हो। वो तो अर्जुन सज्जन को अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हाँ हाँ यही तो, तुम ही तो अपने बड़े भाई के सिवाय कुछ दिखाई देता ही नहीं, मेरी तो हर बात आपको झूठी लगती है, तो इन बच्चों से पूछ लो, ये भी झूठ बोलेंगे क्या? बताओ बेटो, क्या तुम्हारी माता जो कह रही है वो सत्य है? हाँ पिताजी ये सत्य है, जाहरवीर ने हमें बहुत मारा। अब तो यकीन आ गया आपको, ये छोटे छोटे बच्चे भी क्या झूठ बोल रहे हैं? आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे स्वामी? आप इस राज का बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? रानी काछल आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, औरतें परिवार को जोड़ने का काम करती है न कि तोड़ने का। महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। बन जाए शमशान न खोल जुबान तो सजनी जाने ले। सजना करा ले बटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। बड़े ईर्ष्या मन में कभी वचन वो कहना ना चाहिए। ओ भोले चौहान समय को अच्छी तरह पहचानो। सजना करा ले बटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। सजना करा ले बटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। बन जाए शमशान ना खोल जुबान तू सजनी जाने ले। सजना करा ले बटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा।
अमृत बलि हो रानी, जिसमें सबका ही फायदा। जहाँ रहती हो शैतान भला, वहाँ किसका हो सम्मान। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। बन जाए शमशान न खोल जुबान तू सजनी जाने ले। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। सर्जन राज दुलारी, उनका भी तुम्हें ख्याल नहीं। अपनों से हो अलग हुआ कोई भी माला माल नहीं। धोखे से भरा जहां हुआ अब स्वार्थ का इंसान। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। बन जाए शमशान खोल जुबान तू सजनी जाने ले। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। अपना और पराया सिखा के नाशनी की करे रचना। मैं हूँ इतनी परेशान, पड़ेगी गवानी एक दिन जान। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। बात मेरी लो मान, न बनो नादान, ओ सजना मान लो। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। बन जाए शमशान ना खोल जुबान तू सजनी जाने ले। सजना करा ले बंटवारा, अपना महल हो एक न्यारा। ये महल स्वर्ग से भी प्यारा, भाइयों का इसमें भाईचारा। सजना करा ले। बस स्वामी बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आज आपने महाराज उमर सिंह से बात नहीं की तो मैं अर्जुन और सर्जन को लेकर अपने मायके सिरसापाटन चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ रानी काछल, तुम अपनी तिरियाहट के आगे कुछ भी कर सकती हो। और मैं भी इस हर रोज की कलह से तंग आ गया हूँ। अगर अलग होने से ही तुम्हारे मन को तसल्ली मिलती है तो आज ही महाराज उमर सिंह से बात करता हूँ। ये हुई ना बात। पिताश्री प्रणाम। आओ बेटा नेवर। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा नेवर, क्या कहना चाहते हो, बेझिझक कहो। पिताश्री, मैं इस राज्य का बंटवारा चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र, बंटवारा? तुम शायद भूल रहे हो पुत्र, जब हमारे चौहान वंश में कोई पुत्र पैदा होता है तो उसे ये बताया जाता है कि जीवन भर कभी बंटवारा शब्द उसकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। आज तक हमारी सभी पुश्ते मिलकर इकट्ठी रहती आई है, फिर तुम्हें आज ये परेशानी क्यों? आप मुझे गलत समझ रहे हैं पिताश्री, लेकिन कई फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं।
तुम्हारे सामने ऐसी क्या मजबूरी है पुत्र, जिसने तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर विवश कर दिया? क्या तुम्हारे भैया जेवर सिंह ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं पिताश्री, भैया जेवर तो साक्षात देवता हैं। वो तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह प्यार करते हैं। उनकी तो 7 जन्मों तक सेवा की जाए वो भी कम है। पुत्र, हम भी वर्षों से एक राजा के रूप में प्रजा को निर्णय सुनाते आए हैं, और हमारे सामने दरबार में इस प्रकार के बहुत तायत मामले आते हैं जो बंटवारा चाहते हैं। और ऐसे मामलों में दो ही बातें उभर कर सामने आती है जो बंटवारे का मुख्य कारण होती है। एक, या तो उन भाइयों में आपस में झगड़ा रहता है, आपस में प्रेम नहीं है, और दूसरी बात यह होती है कि भाइयों में तो प्यार होता है लेकिन उनकी पत्नियां उनको साथ नहीं रहने देती। मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर दूसरी बात ज्यादा उपयुक्त बैठती है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री, मुझे रानी काछल के दबाव में ही आपके पास आना पड़ा। लेकिन पिताश्री, आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैं रोज रोज की कलह से तंग आ गया हूं। एक तरफ तो भाई का प्यार मिल रहा है, दूसरी तरफ रानी काछल व पुत्र अर्जन सर्जन मुझसे बिछुड़ रहे हैं। पिताश्री, ऐसी स्थिति में आप एक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि राजा के रूप में क्या निर्णय देते? बेटा नेवर सिंह, जब तुम्हारे जैसी स्थिति हमारे सामने आती तो एक राजा के रूप में हम यही निर्णय देते कि तुम्हारा बंटवारा होकर भी बंटवारा न हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा पिताश्री। मेरे कहने का तात्पर्य यह है पुत्र कि हम तुम्हें बंटवारे के रूप में सांभर का इलाका देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें रहना यही ददरेवा के महलों में होगा। ठीक है पिताश्री, मुझे आपका ये निर्णय मंजूर है। प्रणाम। अरे भैया जाहर, तुम यहाँ बैठे हो? हमने सारे महलों में ढूंढ लिया, चलो बाहर खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं भैया नाहर, तुम लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या बात है भैया, लगता है हमसे नाराज हो। नहीं नहीं भज्जू भैया, मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा, आज मैं यहीं पर अपने नीले के साथ खेलूंगा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो भैया चलते हैं। कई दिन हो गए, आज तो नीले के साथ खेलूंगा। अरे मेरे नीले, कैसा है तू? तुम्हें पता है माता बाछल ने मुझे महलों से बाहर जाने को मना कर रखा है, अब तू ही बता मैं यहाँ बैठा बैठा पूरा दिन कैसे व्यतीत करूँ। बात तो ठीक है भैया, पर मैं क्या करूँ? तुम क्या करो, तुम ऐसा करो, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर इस आकाश की सैर कराओ। मैं घूम कर देखना चाहता हूँ आखिर आसमान पर है क्या। बात तो ठीक है भैया, बैठो मेरी पीठ पर। अब चलो। अरे देखो, आसमान से लोग कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, सचमुच। शाबाश मेरे नीले, मजा आ गया, और ऊपर ले चलो, और ऊपर ले चलो। अरे रुकना जरा, वहां क्या है? तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। Thank you.
अरे वाह, ये आसमान पर इतना अच्छा राज सिंहासन किसने लगा रखा है? यहाँ पर बैठता हूँ। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। नारायण नारायण। अरे ये कौन बालक है जिसने देवलोक पर ही अधिकार कर लिया और देवराज इंद्र भी नहीं दिखाई दे रहे? वो कहाँ चले गए? मुझे यह समाचार भोलेनाथ को देना होगा। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें भोलेनाथ। आंखें खोले भोलेनाथ। घोर अनर्थ हो गया। नारायण नारायण। क्या हुआ देव ऋषि नारद जी, क्या अनर्थ हो गया? आप तो बहुत परेशान मालूम हो रहे हो। हे भोलेनाथ, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। नारायण नारायण। ऐसी क्या बात है नारद जी? भोलेनाथ, स्वर्ग लोक पर अब देवराज इंद्र का आधिपत्य नहीं रहा, बल्कि वहां तो किसी और का अधिकार हो गया है। नारायण नारायण। नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ भोलेनाथ, आपको तो पता ही है कि मैं जो भी बोलता हूँ सत्य ही बोलता हूँ, और ये सब तो नारायण नारायण। मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, वो बालक इंद्र सिंहासन पर बैठकर कह रहा था कि मैं अब यहाँ का राजा हूँ। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मुझे तो ये बालक के रूप में कोई मायावी राक्षस मालूम होता है जो स्वर्ग लोक पर अधिकार करके बैठ गया है। अब तो देवताओं की लाज आपके हाथों में है भोलेनाथ। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी, आप तो हमेशा हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हो, मैं अभी पता लगाता हूं कि ये बालक कौन है। नारायण नारायण। देव ऋषि, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई मायावी राक्षस नहीं है, बल्कि ये तो गोरखनाथ जी का शिष्य पद्मनाग अवतारी जहारवीर है, जो पृथ्वीलोक से यहाँ आया है। मुनिवर, ये स्वर्गलोक पर अधिकार करने नहीं बल्कि खेलने आया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये बालक खेलने के लिए जीवित ही पृथ्वी से स्वर्गलोक पहुंच गया, इतनी शक्तियां इतनी अल्पायु में इसे कैसे प्राप्त हुई? अगर बड़ा होकर इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कहीं सचमुच ही स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया तो? नारायण नारायण। नारद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बालक को ये इतनी शक्तियां मेरे ही अंश और इसके गुरु गोरखनाथ जी के कारण प्राप्त हुई हैं। ये बालक इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि दीन दुखियों की मदद कर जगत कल्याण करेगा। कलयुग में इनकी रिद्धि सिद्धि देवताओं से भी बढ़कर होगी। नारायण नारायण। ये क्या देवराज, ये कौन बालक है जो आपके सिंहासन पर विराजमान है? मुझे तो ये कोई देते या दानव लगता है जो बालक का रूप धारण करके बैठा है। देवराज, वो देखिए नीला घोड़ा, शायद ये इसी पर बैठकर आया है। देवराज, अब देर न करे, इस मायावी को अपने किए की सजा दे। इसे तो मैं वो सजा दूंगा कि फिर कोई देते या दानव इंद्र सिंहासन की तरफ
आंख भी नहीं उठा सकेगा। हे मायावी, तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। मैं तो अपने असली रूप में ही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तुम जो कोई भी हो, अपने असली रूप में आओ। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। अब तुम देवराज इंद्र के कहर से नहीं बच सकते। क्या देवराज, इस पर तो किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर ही नहीं हो रहा। मुझे तो यह मायावी बहुत शक्तिशाली लगता है। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मेरे वज्र अस्त्र से नहीं बच सकता। क्या देवराज, अब वज्रास्त्र का प्रयोग करेंगे? हाँ अग्निदेव, इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं। ओ देवराज। हे नाथ शिरोमणि, प्रणाम। प्रणाम गुरु गोरखनाथ जी। आप यहाँ? हाँ देवराज, आप वज्रास्त्र का प्रयोग इस बालक पर न करें, कहीं ऐसा न हो कि वो भी निष्क्रिय हो जाए। क्या? हाँ देवराज इंद्र, इस बालक पर वज्रास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। हे नाथ शिरोमणि, मैं इस बालक का परिचय जानना चाहता हूँ। ये कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा? हे देवराज इंद्र, आप जरा अतीत में जाकर देखिए। आपको शायद याद हो कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी लोक से बागड़ देश के सांबर प्रांत के राजा गंगाराव चौहान यहाँ आए थे और वे स्वर्ग अप्सरा उर्वशी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में ले गए थे और उनके साथ विवाह किया था। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है नाथ जी, लेकिन इस बालक का राजा गंगाराव से क्या संबंध है? ये बालक उसी वीर चौहान राजा गंगाराव व अप्सरा उर्वशी के वंशज हैं। ये पद्मनाग अवतारी व मेरे प्रिय शिष्य हैं। इनका नाम जाहर वीर है। ये बालक अपने जन्म से ही अनेक शक्तियों से परिपूर्ण है। आओ मेरे शिष्य जाहर, ये देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग लोक पर इन्हीं का राज है, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम। बेटा जाहर, ये स्वर्ग लोक है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और न ही राज सिंहासन पर बैठकर देवराज का अपमान करना चाहिए था। हे गुरुदेव, मेरा उद्देश्य देवराज का अपमान करना नहीं था। मैं तो पृथ्वी पर खेलते खेलते ऊब गया था, इसलिए मैं ऊपर देखना चाहता था कि आकाश में क्या है। इसलिए नीला मुझे यहाँ ले आया और मैंने यहाँ देखा तो ये सिंहासन खाली पड़ा था। मैं तो यूं ही बैठ गया था गुरुदेव। हे देवराज, मेरे कारण अगर आपका तनिक भी अपमान हुआ है तो मैं अक्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं जाहरवीर, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम्ही मुझसे क्षमा मांग रहे हो। वास्तव में क्षमा तो मुझे ही मांगनी चाहिए, जो मैंने तुम्हारा बिना परिचय जाने ही पता नहीं क्या क्या कह दिया। वास्तव में मैं ही अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैंने तुम्हारा परिचय जाने बिना ही तुम पर उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तुमने तो मेरा घमंड चूर कर मुझे सही मार्ग दिखाया है। हे गुरु गोरखनाथ जी, ये बालक तो अपने इन्हीं चमत्कारों के कारण जग में बड़ा नाम करेगा। इसकी रिद्धि सिद्धि के आगे तो हमारी शान भी कम होगी। जी हाँ देवराज,
इस बालक का जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है। ये अपने अच्छे आचरण से ही जल्दी ही प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। हे गुरु गोरखनाथ, आज मैं धन्य हुआ जो आप वे बालक जाहरवीर स्वर्ग लोक पधारे। आइए महाराज, आसन ग्रहण करें। नहीं देवराज इंद्र, ये समय आसन ग्रहण करने का नहीं है। मैं अपनी समाधि मध्य में ही त्याग कर आया हूँ, अब मैं चलना चाहूंगा। बेटा जाहरवीर। जी गुरुदेव। तुम भी अब ददरेवा नगरी वापिस जाओ, तुम्हें काफी समय हो गया है यहाँ आए हुए। जी गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। अच्छा देवराज, मैं भी अब चलना चाहूंगा। प्रणाम। महाराज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहो महारानी, क्या बात है? महाराज, आपको तो मालूम है पुत्र जाहरवीर अब बड़ा हो गया है, अब उसके खेलने कूदने की उम्र नहीं रही। महाराज, आप क्या कहना चाहती हैं? महारानी साफ साफ कहो। महाराज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब पुत्र जाहरवीर बच्चा नहीं रहा। इस आयु में एक राजकुमार की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती है। आप जल्दी ही किसी योग्य आचार्य की व्यवस्था कर शिक्षा का कार्य प्रारंभ करवाएं। महारानी, ये बात तो काफी दिनों से हमारे जहन में भी थी, और हमने तो आपके कहने से पहले ही जाहरवीर के लिए आचार्य का चुनाव कर लिया है। बस अब तो उनके हामी भरने की देरी है। लेकिन महाराज, आपने किसी जाहरवीर के लिए आचार्य चुना है? क्या आपने पहले उसकी योग्यताओं को परखा है? हमें पूरी जांच परख के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए महाराज। महारानी, हम जिस आचार्य से जाहरवीर को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, उनकी योग्यताओं को परखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा गुरु आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं समझी नहीं महाराज, आप किसकी बात कर रही हैं? ऐसा गुरु कौन है? महारानी, मैं गुरु गोरखनाथ जी की बात कर रहा हूँ। अगर उनके मुकाबले कोई गुरु हो तो बताएं। सचमुच महाराज, अगर गुरु गोरखनाथ जी बालक जाहरवीर को शिक्षा दीक्षा दें तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। महाराज, आप कल ही जाकर गुरु गोरखनाथ जी से इसका अनुरोध करें। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुदेव कभी इनकार नहीं करेंगे। ठीक है महारानी, मैं कल ही गुरु गोरखनाथ जी के डेरे में जाता हूँ, और संभव हुआ तो उन्हें अपने साथ ही राजमहल लेकर आऊंगा। हे गुरु गोरखनाथ, राजा जेवर सिंह का प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो राजन। आज किस प्रयोजन से हमारे पास आना हुआ? क्या ददरेवा नगरी में सब कुशल मंगल है? जी हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। गुरुदेव, मैं आपके पास एक अनुरोध करने आया हूँ, आशा है आप इनकार नहीं करेंगे। किस बात का अनुरोध राजन, साफ साफ बताओ। महाराज, अब जाहरवीर बड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि अब उसकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की हो गई है। अगर आप पुत्र जाहरवीर को शिक्षा दीक्षा दें तो बहुत कृपा होगी महाराज। राजन, आपने तो मेरे मन की ही बात छीन ली। जाहरवीर की शिक्षा दीक्षा का कार्य मेरे द्वारा ही होना लिखा है। वह तो जगत में मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उसको